सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्ते को खोना नहीं चाहता। जाने वाला कमियां देखता है और निभाने वाला काबिलियत। आज का पंचांग 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, शाम 5:44 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र 2:56 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:29 से 9:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:18 से 1:04 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 9:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार, आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है तो आप पछतावा भी महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति समझे, आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच से काम लें। समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी ही निकलेगा और आपको जल्दी खुशी मिलेगी। संतान की तरफ से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से मन में सुकून रहेगा और आप अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित कर पाएंगे। किसी समाज सेवी संस्था में भी आपका सहयोगात्मक योगदान रहेगा। पैसों से संबंधित समस्या की वजह से परिवार का हर एक व्यक्ति चिंतित नजर आएगा, लेकिन इस समस्या को दूर करना संभव है। आपसे संबंधों पर किसी भी वजह से नकारात्मक प्रभाव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। नकारात्मक विचारों पर ध्यान ना दें, लोग आपकी नकारात्मकता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। करियर का विस्तार करने के लिए जो बात महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्टनर और आपके बीच के संबंध सुधरने लगेंगे, इस कारण पारिवारिक वातावरण में भी सुधार होगा। शारीरिक कमजोरी के कारण तकलीफ होने की भी संभावना है। आज के दिन आपके लिए कामकाज के मामलों में अच्छा रहने वाला है। कारोबार में आप अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। सेवा क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप गति पकड़ेंगे। आप अपनी सूझबूझ से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों के प्रयास तेज रहेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने से आपको उनसे घबराना नहीं है। आप किसी से कोई वाहन मांग कर ना चलें। आपको अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनना होगा, नहीं तो कार्य क्षेत्र में समस्या हो सकती है। आपने यदि किसी से कर्जा लिया था तो आप उसे भी काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। सावधानियां, अधिक सोच विचार करने में समय व्यतीत न करें, नहीं तो कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती है। साथ ही बाहरी व्यक्तियों की बातों में न आकर अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना पैसे और समय की बर्बादी ही देगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं। कोई खास और अंतरंग आपके आस पास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। जिन फलों को खाने की मनाही होती है उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। यह तय कर ले कि आपके इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी ना होने पाए। बात करते हैं करियर की। आप अपने करियर में जो कुछ भी चाहते थे वह सब कुछ आज आपके रास्ते में आएगा, चाहे वह प्रसिद्धि, ताकत, पैसा या पद हो। आप सब कुछ पाने के लिए एक आदर्श स्थिति में है। बस कड़ी मेहनत करते रहें और अन्य लोगों की राय का सम्मान करें, और जो भी आपने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते किया है वो सब आपका हो। ये समय अपनी कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का समय है। अच्छा, आपको लेन देन में सतर्क रहना होगा। अपनी गुप्त बातें किसी पर प्रकट न करें,
जमीन से संबंधित मामलों में आज फैसला ना करें। दोपहर में धन संबंधी समस्या हल हो जाएगी। ऋण के मामलों में राहत मिलेगी। शाम को परिवार के साथ रहने का मौका भी मिलेगा। बात करती है सेहत की। जहां तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस रूटीन का सवाल है, आप कुछ दिनों से लापरवाही कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। आपने अपने फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किए हैं, वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करें, नहीं तो जल्दी आपका जोश खत्म हो जाएगा। सब चीजों को लय में वापस लाने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना काफी होगा। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पंचामृत और बेलपत्र चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।